फोटो बुक या करिश्मा एल्बम में एक शीट में कितने फोटो आते हैं? अधिकतर लोगों का ये प्रश्न रहता है, वो जानना चाहते हैं कि फोटो बुक एल्बम अगर हम बनवाएं तो उसकी एक शीट में कितने फोटो आएंगे, या करिश्मा एल्बम अगर बनवाएं तो उसकी एक शीट में जो है कितने फोटो आएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि करिश्मा हो या फोटो बुक एल्बम, उसकी एक शीट में कितने फोटो लगाना अच्छा रहेगा या जनरली कितने फोटो लगते हैं। तो वैसे तो देखो इस सवाल का सीधा साधा एक ही जवाब है, अगर आप किसी भी डिज़ाइनर से फोटोग्राफर से पूछोगे तो वो आपको ये कहेगा कि साहब एवरेज पकड़ के चलो आप कि एक शीट में 7 फोटो आपके लगेंगे, यानी कि 7 इमेजेस आपकी एक 12x36 रहेगी, 12x36 साइज की जो शीट होती है चाहे फोटो बुक हो या करिश्मा हो उसमें 7 फोटो आ जाएंगी। अब बात ये आती है आप लोगों की तरफ से प्रश्न होता है कि क्या हम एक शीट में 7 से ज़्यादा फोटो नहीं लगा सकते या हम 7 से कम फोटो नहीं लगा सकते। और आप लोग जो कितनी बार डिज़ाइनर को या फोटोग्राफर को बोलते हैं कि भैया मेरे इसमें 10 फोटो लगा दो, 15 फोटो लगा दो, तो वैसे तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया, लेकिन मैं बताऊंगा कि कम लगाएं तो क्या होगा और ज़्यादा अगर आप लगाते हैं तो क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात तो आप डिज़ाइन, मेरा आपको कहना कि डिज़ाइनर को एकदम फ्री छोड़ दीजिए कि भैया हमारे पास में 280 फोटो हैं आप ले लीजिए और जितनी सीट इसकी बनती हो आप बना दीजिए, अगर आपको बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप उनको ये बात कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो इतनी सीट में ही बनाना, मान लो कि अगर आप कहेंगे कि मुझे मेरे 280 फोटो जो है वो 20 सीट में एडजस्ट करने, तो होगा क्या कि पर सीट में आपके 14 फोटो लगेगी। अब जब फोटो ज़्यादा लगेंगे, 14 फोटो लगेंगे, 7 से ज़्यादा जब फोटो होंगे तो सारे फोटो की जो साइज़ है सीट के अंदर वो छोटी छोटी हो जाएगी। तो एल्बम बनने के बाद हो सकता है कि आपको मज़ा नहीं है, आपको कि एल्बम तो सुंदर नहीं बनी। अब सुंदर इसलिए नहीं बनी क्योंकि अंदर फोटो उसके अंदर जो ज़्यादा बढ़ गए इसलिए वो फोटो सुंदर बने नहीं। दूसरी बात आती है कि हम फोटो कम लगाते तो 7 से कम लगा दे, 4 लगा दे या 3 लगा दे। तो देखो अगर आपकी फोटोग्राफी जो है अगर वो अच्छी नहीं हुई होगी, जिस फोटोग्राफर ने आपकी फोटोग्राफी की है, वेडिंग की, बर्थडे की, जिसकी भी, अगर उसने सही तरीके से फोटो नहीं खींचे और उस कंडीशन में आपका बजट है और आपने सामने वाले डिज़ाइनर को कह दिया कि भैया मुझे तो इसकी 100 शीट बना दो, तो होगा क्या कि 280 फोटो आपके, मान लो 300 फोटो है तो एक शीट में 3 फोटो आपके आएंगे। लेकिन फोटोग्राफी अच्छी नहीं है और सारे फोटो बड़े बड़े हो जाएंगे तो उस कंडीशन में फिर आपकी एल्बम सुंदर नहीं दिखेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये जो फैसला है वैसे तो ये डिज़ाइनर के ऊपर छोड़ दीजिए आप, लेकिन फिर भी अगर आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एल्बम सुंदर बने, तो उसके लिए एवरेज जो है पर शीट में 7 फोटो का रखिए, यानी कि एक शीट के अंदर आपके 7 इमेज होनी चाहिए तो आपकी एल्बम सुंदर बनेगी। अब बात आती है कि 280 जब फोटो होंगे तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी सभी शीटों में 7 फोटो लगे, किसी शीट में 4 फोटो भी हो सकते हैं, किसी शीट में 5 फोटो भी हो सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर जब आप 40 सीट की कैलकुलेशन लगाएंगे तो 280 फोटो जो है वो आपके लग जाएंगे। क्योंकि किसी सीट में मान लो अगर आपके 5 फोटो लगे तो उसके नेक्स्ट वाली सीट में ये होगा कि 7 के जगह 8 फोटो लग जाएंगे। वो डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड है कि उसको क्या लगता है कि भाई किस फोटो को मुझे छोटा लगाना चाहिए, किस फोटो को मुझे बड़ा लगाना चाहिए, कौन फैमिली मेम्बर है जिसको मैं बड़ा लगूँ, तो सब चीज़ जो है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि एक शीट के अंदर अगर 7 फोटो तक रहते हैं तो एल्बम सुंदर बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ज़्यादा फोटो लगाते हैं तो फोटो की साइज छोटी हो जाती है तो एल्बम की सुंदरता कम हो जाती है। ज़्यादा फोटो लगा नहीं सकते अगर फोटोग्राफी अच्छी नहीं है आपकी, फोटोग्राफी अच्छी नहीं की हुई है फोटोग्राफर ने, तो ज़्यादा लगा सकते हैं, फिर उनको बड़े लगाने से मतलब भी क्या। तो ये वो सवाल था कि भाई एक शीट के अंदर जो है हमें कितने फोटो लगाने चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और आगे भी अगर आपका कोई इसी तरह का प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, फोटोग्राफी रिलेटेड या एल्बम रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो मुझे बेझिझक पूछ सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का जो निशान उसको दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।